हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बरेवाल रश्मि। आई होप आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। सो टुडे वीडियो इज ऑल अबाउट लोकल मार्केट से परचेस किए गए सामान के बारे में है या ऑनलाइन शॉपिंग के बारे में है। आज की वीडियो में जो भी प्रोडक्ट मैं आपके साथ शेयर करूंगी, सारे के सारे प्रोडक्ट मैंने न्यू ट्रेंडी लिए हैं जो कि आपके घर को एक न्यू लुक देने में हेल्प करेगा। इसीलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, देखना ना भूलें। तो आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। सो आज सबसे पहला जो प्रोडक्ट मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो कर्टेन्स को शेयर कर रही हूँ। जो हमारे घर में पर्दे लगाए जाते हैं उन पर्दों की ही बात मैं कर रही हूँ। तो मेरे घर में सबसे ज़्यादा धूप आती है सुबह से लेके, मतलब 10 बजे से लेके शाम 5 बजे तक धूप रहती है और गर्मियाँ भारी शुरू हो चुकी हैं। गर्मियों में हर कोई चाहता है कि हर किसी का घर ठंडा बना रहे, तो इसके लिए हम भारी भारी कर्टेन्स का यूज़ करते हैं। लेकिन भारी भारी कर्टेन्स को जब हम धोते हैं तो हमें पता होता है कितनी प्रॉब्लम होती है। तो लाइट वेट के कर्टेन्स आजकल मार्केट में बहुत ईजिली मिल जाते हैं, पर मैंने जो लाइट वेट के कर्टेन यूज़ किए हैं ये ज़्यादा भारी नहीं है, पर डार्क शेड के कर्टेन यूज़ करती हूँ। डार्क शेड के कर्टेन हमेशा आपकी 90% लाइट को हमेशा ब्लॉक कर देते हैं। और जो कर्टेन्स मैं यूज़ करती हूँ इनका जो मटेरियल है वो बहुत ही मतलब कूजी लुक क्रिएट कर देता है आपके ड्राइंग रूम को एक नया लुक देने के लिए। और जो मेरे घर का एंट्रेंस एरिया है वहाँ पे मतलब जो गेट का एंट्री एरिया है उसके ऊपर भी मोटी मोटी सी जाली लगी हुई है, तो यहाँ से गर्मियों में देखिए बहुत ज़्यादा सनलाइट भी आती है। धूल मिट्टी गर्मियों में आना एक नॉर्मल सा कारण है। तो अपने घर को धूल मिट्टी से सनलाइट से बचाने के लिए आप जितने लाइट वेट के कर्टेन यूज़ करेंगे, क्योंकि गर्मियों में ज़्यादा आंधियां भी चलती हैं, तो आपको 15 या 20 दिन में महीने में एक बार अपने कर्टेन्स जरूर वॉश कर लेने चाहिए। तो मैंने जो कर्टेन यूज़ किए हैं ये लोकल मार्केट से परचेस किए थे और ज़्यादा इनकी कॉस्ट भी नहीं है। ये आई थिंक 599 का एक कर्टेन्स पड़ता है और मैंने हमेशा ही जहाँ से सनलाइट आती है वहाँ पे डार्क शेड को ही यूज़ करती हूँ। तो ये जो मेरे घर का एंट्रेंस एरिया है तो ये मेरे ड्राइंग रूम से भी टच है, तो मैंने अपने एंट्रेंस एरिया पे गोल्डन कलर के कर्टेन्स को यूज़ किया हुआ है। और कर्टेन्स को हमेशा मैं मतलब जैसे सुबह और शाम के वक्त में थोड़ी सी अच्छी हवा अंदर आ जाए घर के अंदर, तो मैं कर्टेन होल्डर्स की हेल्प से कर्टेन को हमेशा बांध के रखती हूँ। और जो कर्टेन्स आपको पसंद नहीं है, परचेस तो आपने कर लिए हैं पर लोकल मार्केट में आप एक ही बार उन्हें चेंज कर सकते हैं, तो ऐसे कर्टेन्स को अब आप क्या करेंगे? तो आप कुछ जब कर्टेन्स को खरीदें थोड़ा सा दिमाग से ध्यान से खरीदिए, भाई मैं इस कर्टेन्स को खरीद रही हूँ तो कहाँ पे इसका यूज़ कर सकती हूँ। तो जो लाइट शेड के कर्टेन है वो अपने आप बेडरूम में यूज़ कर सकते हैं, ड्राइंग रूम में यूज़ कर सकते हैं, या पार्टीशन के अकॉर्डिंग भी बना सकते हैं। मेरे घर में जो लटकन वाले कर्टेन्स हैं उनको मैंने अपने ड्राइंग रूम में और दूसरे रूम की तरफ जाने के लिए पार्टीशन एज ए यूज़ कर रखा है। तो कर्टेन्स हमेशा मैं ऐसे ही यूज़ करती हूँ जो घर में वॉशेबल हो जाएं, क्योंकि कर्टेन्स हमेशा महीने में एक बार तो ज़रूर धुल जाने चाहिए। और मेरा दूसरा परचेस ऐसा कोई हैवी मटेरियल नहीं है, ये ऐसे थिक मतलब प्राचीन चीज़ों की तरह दिखाई देने वाली कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे कि मेरे पास नटराज जी की मूर्ति है या लाफिंग बुद्धा है। हम सभी के घर में कुछ ना कुछ ऐसी डेकोरेशन वाली चीज़ें होती हैं, तो उन चीज़ों को आप जितना डेकोरेट करके रखेंगे घर में, नेचुरल फ्लावर से जितना आप अपने घर को डेकोरेट करके रखेंगे, तो जो नेचुरल चीज़ें होती हैं जैसे फ्लावर्स होते हैं तो ये तो विदाउट कॉस्ट हो गए, लेकिन जैसे कि ये नटराज जी की मूर्ति है इसको एक कूजी लुक देने के लिए आप इसको हमेशा अपने ड्राइंग रूम के कॉर्नर में सेट कर सकते हैं, अपने घर के एंट्रेंस एरिया के आसपास सेट कर सकते हैं। बहुत सारी हमारे घर में ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको हम खरीद कर तो लेके आ जाते हैं लेकिन जब उनकी साफ सफाई की बातें होती हैं अक्सर हम इग्नोर कर देते हैं। तो अपने घर में जब भी आप अपने घर की साफ सफाई करें थोड़ा सा चीज़ों को इधर से उधर जरूर कीजिए, थोड़ा सा सोचिए कि भाई ये चीज़ यहाँ पे रखते हुए अच्छी लग रही है या नहीं लग रही है।
और जैसे कि इस ग्लास ट्रे के बारे में मैंने आपके साथ बातें शेयर करी थी अपनी लास्ट वाली वीडियो में, जो अफोर्डेबल ड्राइंग रूम डेकोरेशन के अकॉर्डिंग थी, तो यदि इस ट्रे के बारे में आपको नॉलेज लेनी है तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। मेरे घर के अंदर जितना भी आपको डेकोरेशन वाला सामान मिलेगा वो ज़्यादा कॉस्टली नहीं है। कोशिश तो मैं बहुत ऐसे करती हूँ कि चीज़ों को इधर से उधर शिफ्ट करती रहूँ। इसमें दो फायदे हमेशा मिलते हैं, क्लीनिंग अच्छी हो जाती है और नेचुरल प्लांट से या नेचुरल फ्लावर से जब आप चीज़ों को अपने घर की डेकोरेशन के अकॉर्डिंग यूज़ करते हैं तो आपको आइडिया मिलता है कि मेरे घर की डेकोरेशन में ये चीज़ यहाँ पे अच्छी लग रही है या नहीं। जैसे कि ड्राइंग रूम में हमेशा नेचुरल फ्लावर से एक ग्लास में हमेशा फूलों से भर देती हूँ, उसको हमेशा सजा कर रखती हूँ। ऐसे ही मैं अपनी डाइनिंग टेबल को भी सजा कर रखती हूँ बिल्कुल नेचुरल प्लांट से। और जो आपके डाइनिंग एरिया का आसपास का एरिया होता है वहाँ पे आप अक्सर जितने भी हैंगिंग प्लांटर होते हैं आप वहाँ पे रख सकते हैं। जो हैंगिंग बास्केट होती है उसके अंदर आप आर्टिफिशियल फ्लावर भी रख सकते हैं, नेचुरल प्लांट भी रख सकते हैं। तो टोटल मिला के मैं कहूँ आपके घर में गर्मियों के अंदर, गर्मी वाले सीजन में जितने नेचुरल प्लांट्स होंगे आपके घर की कूलनेस उतनी ही ज़्यादा बढ़ जाएगी। घर में जितने नेचुरल प्लांट्स होते हैं घर उतना ही ठंडा लगता है और इसमें कोई आपका परचेज मतलब कॉस्ट भी नहीं आती है। और सबसे अच्छी बात है आपके घर में जितना मनी प्लांट ग्रो करता है उतनी अपने आपके घर की बहुत अच्छी एनर्जी ग्रो होती है। तो मुझे एक सस्ता सा ये बहुत अच्छा कारण लगता है मनी प्लांट को ग्रो करने के लिए। भाई रीज़न कुछ भी हो, कोई कहता है मनी प्लांट को लगाने से आपके घर में माता लक्ष्मी आती है, पर मैं ये कहती हूँ कि जो आपका ये लकी प्लांट है, मनी प्लांट है, आप इसकी जितनी केयर करेंगे उतना आपके घर में पॉजिटिव वाइब्स ज़रूर रहती है। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। तो मेरे घर में हर जगह पे आपको मनी प्लांट रखा हुआ मिल जाएगा और ये भगवान जी का जो कॉर्नर है इसको मैं ज़्यादातर नेचुरल प्लांट से ही सजाना पसंद करती हूँ। और जो आपका डाइनिंग एरिया है, देखिए मेरे पास यदि अभी आप देख रहे होंगे डाइनिंग एरिया पे मैंने कोई भी कॉस्टली चीज़ यूज़ नहीं कर रही हूँ। सिंपल सा एक लाइनर है, दो लाइनर हैं, टेबल मैट जिसको बोल देते हैं, जो आपके घर का चॉपर होता है सब्जी काटने वाला जिसको आप यूज़ नहीं कर पाते हैं तो उस चीज़ को थोड़ा सा साफ करके अपनी डाइनिंग टेबल पे इस तरीके से आप डेकोरेशन की तरीके से यूज़ कर सकते हैं। और नेचुरल प्लांट से जो रोज़ का प्लांट होता है उसकी फूल होते हैं या मतलब और भी बहुत सारे फूल खिल रहे हैं इस समय सीजन के अकॉर्डिंग, उनसे भी आप अपने घर को सजा सकते हैं। और मैंने अपनी पिछली वीडियो में मिंट का भी यूज़ किया था, जो पुदीने की पत्तियां होती हैं उनसे भी घर को डेकोरेट किया था। और अभी जो मैं आपके साथ अपनी वीडियो में शेयर कर रही हूँ, लोकल मार्केट में कभी कभी चीज़ें इतनी अच्छी मिल जाती हैं कि मन करता है फिर से परचेज कर लें। तो ये जो वाइट कलर की प्लेटें आप देख रहे हैं ये वन पीस के साथ, वन पीस मुझे फ्री पड़ा था और इसकी कॉस्ट भी ज़्यादा नहीं थी, आई थिंक ये 99 में, मतलब एक प्लेट की कीमत थी 99, तो 99 में मुझे दो प्लेटें पड़ गई। ऐसे ही ये टिफ़िन पड़ा था, एक टिफ़िन की कीमत थी 100 और 100 में मुझे दूसरा टिफ़िन फ्री पड़ा था। तो ये आप कह सकते हैं 50 रुपये मुझे दोनों टिफ़िन पड़ गए। तो कभी कभी लोकल मार्केट में भी चीज़ें इतनी अच्छी मिल जाती हैं। तो शॉपिंग यदि आप लोग करते हैं ज़्यादा तो हमेशा कंपेयर ज़रूर कीजिए लोकल मार्केट में ऑनलाइन शॉपिंग में। और एक प्रोडक्ट मैंने ये ख़रीदा था ऑनलाइन जो मुझे देखने में बहुत अच्छा लगा था। इसमें आप अपने ड्राई मसाले रख सकते हैं और जो प्लास्टिक का कंटेनर मैं पीछे दिखा रही हूँ ये मैंने लोकल मार्केट से परचेज़ किया था, जिसकी क्वालिटी मुझे ज़्यादा अब अच्छी नहीं लगी और जैसे जैसे वो पुराना होता चला गया तो वो मन से उतर गया। तो कभी कभी मैं खुद भी इस बात को मानती हूँ कि कुछ चीज़ें कभी कभी आपको लोकल मार्केट में अच्छी नहीं मिलती हैं और ऑनलाइन शॉपिंग करने में वो चीज़ें अच्छी मिल जाती हैं। कीमत का फ़र्क नहीं है, कीमत आई थिंक वो जो प्लास्टिक का कंटेनर है प्लास्टिक वाला 250 के आसपास था और जो ये वुडन वाला है ये 600 या 699 इसके आसपास है।
फिर मैंने दो कंटेनर, ग्लास कंटेनर और मंगवाए हैं, ये ऑनलाइन मंगवाए हैं मैंने। ऑनलाइन कभी कभी अच्छी शॉपिंग हो जाती है, चीज़ें अच्छी मिल जाती हैं। और 6 पीस का सेट मैंने अभी अपनी पुरानी वीडियो में, 2 दिन पुरानी वाली वीडियो में शेयर करा है। ये जो 2 ग्लास हैं ये 1 लीटर में हैं, तो मुझे अपने घर में मतलब ऐसे कुछ भी नमकीन स्नैक्स भरने के लिए इन ग्लास जार की ज़रूरत पड़ रही थी, तो ये मेरा एक अच्छा ऑप्शन रहा है ऑनलाइन शॉपिंग करने का भी। तो आज मैंने आपके साथ काफ़ी सारी बातें शेयर करी हैं। अभी लास्ट में मैं आपके साथ एक और बात शेयर करना चाहती हूँ। जब आपने अपने घर में देखिए अच्छे तरीके से डेकोरेशन कर ली है, तो क्लीनिंग की बात भी बहुत ज़रूरी है। ये डस्टर मैंने अपनी पहली वीडियो में कई बार आपके साथ शेयर करा है, लेकिन इसके बारे में मैंने अभी तक शायद आपको नहीं बताया। तो ये डस्टर मुझे अपने घर में सबसे अच्छा लगता है, क्योंकि दीवारों के ऊपर जो डस्ट होती है वो आप गीले कपड़े से कभी भी साफ़ नहीं कर सकते हैं, सूखे कपड़े से झाड़ नहीं सकते। लेकिन ये डस्टर सही बताऊँ बहुत ही अच्छा है, पूरी डस्ट को अपने अंदर ले लेता है। और जो बिजली वाला एरिया है भाई, जैसे कि अभी मेरे घर में ये फोटो फ्रेम के ऊपर दीवारों में हल्की हल्की सी डिजाइन है, इस डिजाइन के अंदर बहुत ज़्यादा डस्ट आ जाती है, तो उस एरिए को भी क्लीन करने में ये डस्टर बहुत हेल्प देता है। तो इस डस्टर को मैं 10 of 10 नंबर ही देना पसंद करती हूँ हमेशा। और ये जो अभी मेरे सिर के पास आप देख रहे होंगे, ये वाईफाई लगा हुआ है, तो ये हो गया एक बिजली वाला काम। बिजली वाले काम के पास यदि आप साफ़ सफाई करते हैं तो वहाँ पे गीले कपड़े का कोई मतलब नहीं बनता है, लेकिन डस्ट बहुत आती है। और मैंने अभी स्टार्टिंग में भी आपसे बात शेयर करी थी कि भाई गर्मियों में धूल आंधी बहुत चलती है, तो डस्ट को साफ़ करने के लिए डस्टर बहुत ही अच्छा है। हर किसी को मैं परचेज़ करने के लिए इसको ज़रूर कहूँगी, हर कोई इसको परचेज़ करे। तो फ्रेंड्स, अब करते हैं अपनी वीडियो का लास्ट। यदि आज की वीडियो में आपको कोई भी बात अच्छी लग रही है, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा मुझे कमेंट ज़रूर किया कीजिए। और हाँ, वीडियो अच्छी लग रही है तो एक सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि आप लोग जब सब्सक्राइब करते हैं चैनल को तो एक अच्छा सा मोटिवेशनल मतलब मन खुश हो जाता है। तो मेरा प्यार हमेशा आप लोगों के साथ है, अपना प्यार हमेशा मुझे ऐसे ही देते रहिए एज ए कॉमेंट के थ्रू। तो फ्रेंड्स, अपना ध्यान रखिए। सो टेक केयर फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ।